हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो मार्केट अभी रेड देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ दी कंफ्यूजन जो अभी मार्केट में चल रहा है रेट कट्स को लेके। बिटकॉइन ने अपना 60,000 हिट किया था, तो उसके बाद मार्केट हमें थोड़ा देखने को तो मिलेगी डाउन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो एंड जानते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है। मेटा प्लैनेट एक्सपैंड्स बिटकॉइन होल्डिंग्स विद अनदर $2 मिलियन परचेज। तो टोक्यो लिस्टेड कंपनी मेटा प्लैनेट, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म, जो बिटकॉइन को एक्वायर कर रही है कुछ महीनों से, कुछ टाइम से, तो अब इसने अनदर 38 बिटकॉइन जिसकी वर्थ है $2 मिलियन, 300 मिलियन येन, इतने परचेज किए हैं। और जापान में येन की वैल्यू गिरने से, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की वजह से और हाई गवर्नमेंट डेट की वजह से जापान के इकोनॉमी में चैलेंजेस आ रही है। और इसको देखते हुए ये जो कंपनी है ये बिटकॉइन को एज अ हेज बाय कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन पे इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से। तो यहाँ पे इन एडिशन टू बिटकॉइन परचेज, अगर बात करें वैसे बिटकॉइन इन्होंने कितने अभी तक होल्ड किए हैं, तो 398.832 BTC टोटल होल्डिंग है इनके बिटकॉइन की। इनका बिटकॉइन की एक्वायरिंग की वजह से शेयर का प्राइस भी बढ़ा है। तो यहाँ पे 4.42% से बढ़ा है इनका प्राइस, जो कि 1,086 येन पे ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल जो निकाय 225 इंडेक्स है वो फ्लैट है और ओनली 0.02% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब कंपनी जो है ये अपने बिटकॉइन की होल्डिंग एक्टिवली बढ़ा रही है सिंस मई। साथ ही साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि ये बिटकॉइन को एज ए स्ट्रैटेजिक ट्रेजरी रिजर्व की तरह रख रहे हैं। UKFCA charges first individual for illegal crypto ATM network. Britain's Financial Conduct Authority, इसने अनाउंस किया था September 10 को that it had charged Orumide Osunkoya, 45-year-old London resident, जो कि unlawfully illegally operate कर रहा था crypto ATMs. तो UK में अभी जितने भी crypto ATMs है वो illegal है क्योंकि वो registered नहीं है FCA के साथ। तो क्रिप्टो एटीएम्स वो मशीन्स होती है जो यूजर्स को अलाउ करती है बाय करने के लिए और अपने मनी को क्रिप्टो एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। बट इलीगल क्रिप्टो एटीएम्स जो है वो लिंक होती है क्रिमिनल एक्टिविटी से, मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से। तो ये जो बंदा है ये इलीगल क्रिप्टो एटीएम्स यूज कर रहा था और अब तक इसने प्रोसेस किया था 2.6 मिलियन यूरो, जो कि December 2021 से ट्रांजेक्शन इसकी चल रही थी September 2023 तक। तो अब ये पकड़ा गया है। तो एफसीए का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है ये क्रिमिनल्स करते हैं, तो ये जो पैसे है ये ग्लोबली सर्कुलेट करते हैं। इन एडिशन टू टू चार्जेस अंडर MLRS, ऑसुंकोया फेसेस चार्जेस अंडर द फोर्जरी एंड काउंटरफीटिंग एक्ट 1981 और साथ ही साथ क्रिएटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग हिज ऑपरेशंस एंड अ चार्ज ऑफ पोजेसिंग क्रिमिनल प्रॉपर्टी अंडर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002। तो ये सब चार्जेस इस पे लगाए गए हैं। अब ओसुंकोया जो था पहले तो ये डायरेक्टर था किडी प्लस लिमिटेड का, ये वो बन के काम करता था एंड लेटर एज अ सोल प्रैक्टिशनर। तो ये अलेजेडली ऑपरेट कर रहा था एफसीए के बिना। एफसीए ने यहाँ पे बोला है इफ यू आर इलीगली ऑपरेटिंग अ क्रिप्टो एटीएम वी विल स्टॉप यू, इफ यू आर यूजिंग अ क्रिप्टो एटीएम यू आर हैंडिंग योर मनी डायरेक्टली टू क्रिमिनल्स और दीज चैम्बर्स द एफसीए जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड मार्केट ओवरसाइट वॉन्ट। अब यहाँ पे ओसुंकोया जो है इसकी यहाँ पे अपेयरेंस होगी वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में लेटर दिस मंथ, और जो भी इस पे चार्जेस लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन के, वो सब इसे फेस करने हैं। इथेरियम को फाउंडर विटेलिक ब्यूटेरियन डम्स अनदर $9.8 मिलियन वर्थ ऑफ ईथ। तो विटेलिक ब्यूटेरियन ने 950 ईथ सोल्ड कर दी है सिंस August 30, और पूरी की पूरी जो सेल्स है उसका $9.8 मिलियन वर्थ बनता है। तो रियल रीजन तो अभी सामने नहीं आया है लेकिन स्पेकुलेशन हो रही है, जो भी ये सेल कर रहे हैं वो अटेंशन ड्रू कर रही है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन डेटा यहाँ पे ब्यूटेरियन ने सेल किया है अभी 190 ETH, जो कि $4,41,971 है इन USDC, रीसेंट ट्रांजेक्शन जो इन्होंने अभी की है। तो अब ये टोटल मिला के 950 ETH वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $2.28 मिलियन सिंस August 30 विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 2,386 पर ETH।
तो जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है वो तो यही है कि या तो ये अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग दे रहे हैं, या फिर ये अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. रियल रीजन डिस्क्लोज अभी नहीं किया है. तो ये कुछ यहाँ पे पिक्चर्स है जो कि दिखाया गया है. 800 ETH, 3000 ETH. अब सिंस रिसीविंग द फंड्स, ब्यूटेन मल्टीपल सेल्स कर रहे हैं जिसमें ये ईथ को ऑफलोड कर रहे हैं स्मॉलर स्ट्रेटेजिक बैचेस में रादर देन इन सिंगल लार्ज ट्रांजेक्शन. द फर्स्ट सेल जो इन्होंने किया था, वेयर 350 ईथ जो थे इन्होंने सोल्ड किए थे अप्रोक्सीमेटली 8,39,600 डॉलर के. फॉलोइंग उसके बाद अनदर बैच 410 ईथ September 2 को. फिर अभी रिसेंट सेल 190 ईथ. अब यहाँ पे कम्युनिटी सजेस्ट कर रही है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ दीज सेल्स स्पैनिंग मल्टीपल डेज एंड एवरेजिंग अ कंसिस्टेंट प्राइस सजेस्ट अ डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड ड्रास्टिक प्राइस ड्रॉप्स व्हिच कुड अकर इफ लार्जर अमाउंट्स वर सोल्ड इन सिंगल ट्रांजेक्शन. अगर सिंगल ट्रांजेक्शन में ये सब कुछ होता तो ईद का प्राइस गिर जाता, बट यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितना भी, कभी 190, कभी 300, कभी ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, तो इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. ईच सेल जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से, विच एड्स अ लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू द प्रोसेस बट ऑल्सो इनवाइट स्पेकुलेशन अबाउट ब्यूटेन इंटेंशन. क्या है ब्यूटेन का इंटेंशन ये तो अभी हम नहीं जानते हैं. तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है ब्यूटेन किस वजह से ईथ को सेल कर रहे हैं? यू कैन कॉमेंट डाउन. सिंगापुर क्रिप्टो बैन, कैसीनोज ब्लॉक क्रिप्टो यूज अमिड मनी लॉन्ड्रिंग फियर्स. तो सिंगापुर में क्रिप्टो को बैन कर दिया गया है कैसीनोज में. तो ये जो क्रिप्टो बैन लगा है इज इम्प्लीमेंटेड इन द रिसेंट चेंजेस टू द कैसीनो कंट्रोल एक्ट. तो जो इनका कैसीनो कंट्रोल एक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे बैन लगाया गया है. अब ये जो न्यू एक्ट है ये अलाउ करता है कैशलेस बेटिंग, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को लोग यूज करते थे, लेकिन अब इन्हें बैन किया गया है इन कैसीनोस. तो जो नया रेगुलेशन है जो कि अनाउंस किया गया था September 10 को, ये एम करता है कि जो रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है, लोग उसको उस तरीके से यूज करते हैं क्योंकि वो एनोनिमस है. तो इस वजह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क से बचा जा सके. तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, उन्होंने स्टेट किया है दैट गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कोई इंटेंशन नहीं था क्रिप्टो करेंसीज को परमिट करने का एज कैसीनो चिप्स. ऑल्दो तो जो गवर्नमेंट है वो कैशलेस गेमिंग को अलाउ तो करती है, तो गवर्नमेंट ने अपना तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पोजीशन बना रखा है और यहाँ पे क्रिप्टो को बैन किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी पे फोकस किया जा सके गैम्बलिंग इंडस्ट्री में. 2023 में अथॉरिटीज ने अनकवर किया था मनी लॉन्ड्रिंग जो कि इन्वॉल्व था, जिसमें $1 बिलियन की एसेट्स जो इलीगल ऑनलाइन गैम्बलिंग से और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लिंक थी. तो यहाँ पे एसेट सीज की गई थी जैसे लग्जरी कार्स, कैश, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, जिसमें $230,000 टेदर में थे. तो यहाँ पे क्रिप्टो जो है वो रोल प्ले करता है लॉन्ड्रिंग इलिसिट गेन्स का, बट वो हमारे ऊपर है कि हम क्रिप्टो को किस तरीके से यूज करें. तो यहाँ पे लोग गैम्बलिंग में यूज कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज कर रहे थे. तो क्रिप्टो बैन और जो शिफ्ट है कैशलेस गेमिंग का, उसने कैसीनो इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट किया है ग्लोबली. क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से और इलीगल एक्टिविटी से लिंक है. एज अ रिजल्ट जैसे US, कनाडा जो है उन्होंने AML रेगुलेशंस इम्पोज किए थे ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जिसकी वजह से पता चल पाए कि कौन बंदा, कौन सा इंडिविजुअल जो है वो रेगुलेशन के खिलाफ है. UK इंट्रोड्यूसेस बिल टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्रिप्टो करेंसी. तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है यूके ने. यूके ने क्रिप्टो करेंसी बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स जो है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसमें NFT भी शामिल है. तो यूके पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द प्रॉपर्टी जिसमें डिजिटल एसेट्स है बिल ऑन September 11. और ये जो बिल है ये लीगल स्टेटस बताएगा डिजिटल एसेट्स का, क्लैरिफाई करेगा, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज है और NFTs है और बाकी के टोकनाइज्ड एसेट्स होंगे. अब ये जो बिल है ये ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली बार ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया है एज किसी भी डिजिटल होल्डिंग्स को एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी अंडर इंग्लिश एंड वेल्श लॉ. ये जो लेजिस्लेशन है ये एक्सपेक्ट करता है कि लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलेगी जिन जिन्होंने डिजिटल एसेट्स को होल्ड किया है यूके में. तो पर्सनल प्रॉपर्टी
का यहाँ पे नई कैटेगरी बनाई गई है फॉर डिजिटल एसेट स्पेसिफिकली उसी के लिए, और बाकी के जो भी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है थिंग्स इन पोजेशंस जैसे गोल्ड मनी कार्स थिंग्स इन एक्शन जैसे डेट्स और शेयर्स। अब यहाँ पे ये चीज और आ जाएगी जब भी अगर कोई लीगल डिस्प्यूट होगी जैसे फ्रॉड या स्कैम से केसेस में, तो पहले कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं होता था, जजेस को भी पता नहीं होता था कि क्या बोला जाए क्या किया जाए। अब इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करके क्लैरिफाई किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है डिस्प्यूट्स वगैरह आते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसकी भी डिजिटल एसेट होगी, जैसे ओनरशिप के केसेस में, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में, फ्रॉड केसेस में, या डिसएग्रीमेंट्स ओवर एसेट्स ओनरशिप। क्योंकि पहले तो लोगों को ग्रे एरिया में रख दिया जाता था, जो भी डिजिटल एसेट्स के ऑनर होते थे तो पता नहीं होता था कि क्या किया जाए उनके एसेट्स के साथ और किस तरीके से इंटरफेयर किया जाए। लेकिन अब यहाँ पे जैसे दूसरे पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है तो उसकी तरह डिजिटल एसेट्स को भी माना जाएगा। बिटकॉइन प्राइस आई 60,000, रिक्लेम एज गोल्ड हिट्स फ्रेश ऑल टाइम हाई। तो मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है अभी रेट कट्स के रिगार्डिंग। इन्वेस्टर्स जो है वो सोच रहे हैं कि 0.5% नेक्स्ट वीक रेट कट होगा, तो इस चक्कर में मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। बिटकॉइन का प्राइस हमें $60,000 देखने को मिला और गोल्ड ने तो अपना ऑल टाइम हाई बना लिया। September 13 को 60,000 तक ये पहुंचा था। एज वॉल स्ट्रीट ओपन गोल्ड सेट अ न्यू US डॉलर ऑल टाइम हाई। तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि फेड की तरफ से क्या रेट आया है, क्या उन्होंने सेट किया है। अभी बात कर लेते हैं गोल्ड जो है उसकी वैल्यू चल रही है वो $2,585 पर आउंस चल रही है। और अगर अभी तक के बिटकॉइन की परफॉर्मेंस देखे सितंबर की तो यहाँ पे अराउंड 7% लॉस हुआ है। बिटकॉइन इज फॉलोइंग द प्रोजेक्शन विद अ स्लो बट कंसिस्टेंट अप ट्रेंड। यहाँ पे बात करते हैं जो फेड वॉच टूल है CME ग्रुप का, तो उसने बताया है यहाँ पे कि जो रेट है वो 0.25% होगा, ना कि 0.5%। 0.5% ज्यादा हो जाएगा इनके लिए, इसीलिए 0.25% का यहाँ पे ज्यादा चांसेस है रेट कट होने के September 18 को। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, माइक्रो स्ट्रेटजी एड्स 18,300 बिटकॉइन, नाउ होल्ड्स $14.14 बिलियन वर्थ ऑफ BTC। तो माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि बिटकॉइन 4 साल से परचेज करती आ रही है हर महीने, अब उन्होंने $1.1 बिलियन की और बिटकॉइन खरीदी है अपने 8 मिलियन कंपनी के शेयर्स बेच के थ्रू अ सेल्स एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बात करें एवरेज प्राइस जो था $60,000 था पर बिटकॉइन जब इन्होंने खरीदा इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस एंड फीस। और अब बात करते हैं इनके पास टोटल 2,44,800 BTC है जिसकी वैल्यू है $14.14 बिलियन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग टिल लास्ट विद मी। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।